दलहनी फसलों का उत्पादन 16.84 मिलियन टन के लक्ष्य से बढ़कर रिकॉर्ड 18.34 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। दलहनी फसल में मसूर का अनुमानित उत्पादन इस बार 1.58 मिलियन टन पहुंच सकता है। बीते 14 साल में मसूर का यह दूसरा सबसे अधिक उत्पादन हो सकता है। बंपर पैदावार की उम्मीद के बीच किसानों को नुकसान का डर सता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक तरफ रिकॉर्ड उत्पादन और दूसरी तरफ इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के कारण किसान अधिक लाभ से वंचित रह सकते हैं, कीमतों में गिरावट आ सकती है। वर्तमान में मसूर प्रमुख उत्पादक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में यह दलहनी फसल अपने MSP से अधिक भाव पर बिक रही है। सरकार ने 5500 रुपये प्रति क्विंटल की MSP तय की है। वही प्रमुख दलहनी फसल चना MSP से नीचे बिक रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आने वाले मसूर से इंपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया है, जबकि अमेरिका के मामले में इंपोर्ट ड्यूटी को 30 से घटाकर 22% कर दिया गया है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आयात शुल्क में कटौती से किसानों को नुकसान होगा। एक तरफ बंपर पैदावार और दूसरी तरफ आयात शुल्क में कटौती से उन्हें उचित लाभ मिलने की संभावना कम है। सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का निर्णय लेते हुए कहा था कि यह खाद्य महंगाई को काबू में करने के लिए किया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आयात शुल्क में कटौती के बाद व्यापारी काफी मात्रा में दाल बाहर से मंगाएंगे। उच्च आपूर्ति के कारण दाम गिरना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार को यह निर्णय अभी नहीं लेना चाहिए। भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में दलहनों का आयात करता है। वहीं एक व्यापारी से मिली जानकारी के अनुसार सूखे के कारण कनाडा में मसूर की फसल प्रभावित हुई है। उत्पादन में 50% की कमी आई है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मसूर की कीमतें अधिक हैं। ऐसे में कोई खास अंतर पड़ने की संभावना नहीं है। एक कृषि विशेषज्ञ ने कहा कि बंपर उत्पादन और आयात शुल्क में कटौती के बाद भी मसूर की कीमत MSP से नीचे आने की संभावना कम ही है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।